सुबह आपने एक खबर देखी थी जहां पर दिन दहाड़े स्कूली छात्र के अपहरण की बात सामने आई थी। इस मामले में स्कूली छात्र ने खुद रची थी अपने किडनैपिंग की झूठी साजिश। पुलिस की सख्ती पर भाई ने खोले राज। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है जहां पर स्कूली छात्र की किडनैपिंग का पूरा मामला फर्जी निकला। अपनी किडनैपिंग की ये झूठी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी छात्र ने अपने भाई के साथ मिलकर रची। पुलिस ने जब छात्र के भाई से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी प्लानिंग से पर्दा उठ गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके छात्र को बरामद कर लिया। दरअसल बाराबंकी पुलिस को आज सुबह एक छात्र के अपहरण की जानकारी मिली थी। यह सनसनीखेज वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मखदूमपुर में नहर पटरी किनारे हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार वर्मा नाम के शख्स के दो बेटे 14 वर्षीय शुभम पटेल और 12 वर्षीय हर्षित पटेल शहर के सुकलई स्थित श्री साई इंटर कॉलेज के छात्र थे। विनोद कुमार रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के दुलारपुरवा गांव के निवासी हैं। परिवार को लेकर वो शहर के ग्रीन डिवाइड सिटी में रहते हैं। सुबह करीब 7:15 बजे दोनों भाई स्कूल के लिए साइकिल से घर से निकले थे, तभी रास्ते में मारुति वैन से आए कुछ नकाबपोश बदमाशों ने शुभम को पकड़कर कार में खींच लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर बाराबंकी अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सुकलाई गांव से सुबह हम लोगों को किडनैपिंग की सूचना मिली थी। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जब इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सभी तथ्यों की गहनता से जांच की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एएसपी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जांच में पता चला कि लड़का स्कूल बहुत कम जाता था। भाई हर्षित से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि आज वो साइकिल से अपने भाई को सुबह पलहरी चौराहे पर छोड़कर आया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह सही पाया गया। पुलिस के मुताबिक भाई हर्षित ने बताया कि शुभम आज भी घूमने गया है और जाने से पहले उसने अपने कपड़े भी बदले थे। कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एएसपी ने बताया कि शुभम की लोकेशन ट्रेस करके उसे बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम फर्जी था और बच्चों ने खुद इसकी योजना बनाई थी। कोतवाली नगर के सुकलाई गाँव में सूचना प्राप्त हुई कि दो भाई साई इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, जो कक्षा 7 के स्टूडेंट थे। सवेरे 7 बजे उसमें से एक भाई को मारुति वैन के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस सनसनीखेज घटना पर समस्त वरिष्ठ अधिकारी सहित पूरी पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी। छानबीन से पता चला कि ये लड़का जो है स्कूल बहुत कम जाता था और सीसीटीवी फुटेज और उस दूसरे भाई से पूछताछ करने पे ये बात स्पष्ट हुई कि ये दोनों योजना बनाए हुए थे और वो भाई जो है अयोध्या घूमने गया हुआ है, जो तस्दीक भी हो गया। वहाँ पे एक व्यक्ति से इसने टेलीफोन के माध्यम से वार्ता की थी उसके मोबाइल से। वहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग देख रहा था और हर की पैड़ी पर इसकी लोकेशन प्राप्त हुई है, जहाँ पे इसने कपड़े वगैरह चेंज किए और कपड़ा बरामद हो गया है और सीसीटीवी फुटेज में अपने दूसरे भाई के साथ साइकिल से जा रहा है, वो चीज़ें सारी दिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसने एक योजना बना करके पुलिस को और अपने परिवार को भ्रमित किया कि इसका अपहरण हुआ था। अपहरण की बात सरासर झूठी है।